हेलो दोस्तों, मैं राजू यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः S.S.Point ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को मैथमेटिक्स की इंट्रोडक्शन बताया था कि हम कैसे किस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा मैट्रिक्स। अलजेब्रा का बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है जो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे डिटरमिनेंट की। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो बिल्कुल रफ और पेन लेके मेरा स्टार्ट रहिए, अगर चाहे तो आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ मेरे बच्चों, ठीक है? नहीं तो सारी चीज एकदम क्लियर करते चलिए, रफ और पेन लेकर एकदम तैयार रहिए, बी रेडी फॉर दैट मेरे दोस्तों। सो सबसे पहले हमारे बच्चों, हम लोग ये जानते हैं किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से कम तो ये जानना चाहिए कि कोई चैप्टर होता क्या है। जैसे मेरे दोस्तों, मैंने यहां पर लिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अव्यू। प्लीज एकदम बढ़िया से देखिए, मैट्रिक्स को बेटा क्या बोलते हैं? अव्यू बोलते हैं, ठीक है? अब अव्यू होता क्या है बेटा? मैंने आपको पहले बताया कि मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है। मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब बेटा होता है डेकोरेशन। जिसका मतलब होता है डेकोरेशन, अर्थात कह सकते हैं सजावट। मेरे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? सजावट। बेटा मैंने क्या बोला कि मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है। मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? डेकोरेशन। अर्थात डेकोरेशन मींस क्या होता है मेरे बच्चों? सजावट होता है। बेटा मैट्रिक्स को कंप्लीटली जानने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। उस एग्जाम्पल के थ्रू बेटा हम ये जान जाएंगे कि मैट्रिक्स का कहने का मतलब क्या है। बेटा देखते हैं, जैसे बेटा हमने एक एग्जाम्पल लिया, एकदम बढ़िया से बेटा देखिएगा प्लीज, सारी बातें बेटा एकदम क्लियर करिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने क्या बोला बेटा कि सीता हैज थ्री पेन्स। सीता हैज थ्री पेन्स, फोर पेंसिल्स एंड यू कैन सी फाइव रबर। सीता एक लड़की है जिसके पास तीन पेन है, चार पेंसिल है और पांच रबर है। मेरे बच्चों, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि तीन पेन का जो क्या बेटा प्राइज है वो हमने मान लिया कि कितना बेटा? 9 रुपीस। बेटा फोर पेंसिल का जो प्राइस है बेटा हमने कितना मान लिया? 8 रुपीस। और फाइव रबर का बेटा जो आपका प्राइस है, हमने इसको कितना मान लिया बेटा? यहाँ पे 10 रुपीस। हमारे पास बेटा एक सेंटेंस गिवन है कि सीता एक लड़की है जिसके पास तीन पेंसिल है बेटा, फोर पेंसिल है, तीन पेन है, फोर पेंसिल है, फाइव रबर है। बेटा तीन पेन की कीमत 9 रुपीज है, बेटा फोर पेंसिल की कीमत 8 रुपीज है और फाइव रबर की कीमत 10 रुपीज है। बेटा हमें इसको एक ऑर्डर पेयर में राइड करना है। तो बेटा अगर हम इसको मैट्रिक्स के थ्रू डिफाइन करें, तो मैट्रिक्स के थ्रू बेटा इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज करो बेटा, अगर इसको मैं ऑर्डर से लिखूं तो क्या लिखेंगे बेटा? हमने यहां क्या ले लिया? ये ले लिया बेटा पेन, यहां ले लिया हमने, यहां क्या लिया बेटा? पेंसिल ले लिया, और हमने यहां बेटा क्या ले लिया? रबर ले लिया। सारी बातें एकदम बेटा क्लियर करेंगे बेटा, पेन, पेंसिल और क्या बेटा हमने ले लिया? रबर ले लिया। यहां बेटा हमने ये क्या हुआ? इसके नंबर्स हो गए, इसके बेटा क्या हो गए? नंबर्स हो गए। और हम बेटा इधर क्या ले लेंगे? इनका प्राइस ले लेंगे। क्या लेंगे बेटा? प्राइस ले लेंगे। अब बताओ बेटा, सिंपल से हम लोग बात करते हैं यहां पर कि बताओ पेन कितने हैं बेटा? पेन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पेन्स आपके पास 3 हैं। पेंसिल कितने हैं बेटा? यहां पे पेंसिल आपके पास कितने हैं बेटा? 4 हैं। और रबर कितने हैं बेटा? रबर आपके पास क्या है बेटा? 5 है। और इनके प्राइस की बात करते हैं बेटा, तो प्राइस कहां लेंगे बेटा? इधर लेते हैं। तो इनका प्राइस कितना है बेटा? तीन पेन में यहां ये 9 रुपीज बेटा दे रहा है, पेंसिल कितना है बेटा? 8 रुपीज है, और रबर का कितना है बेटा? यहाँ पे 10 रुपीज है। तो ये जो लिखने का बेटा कॉन्सेप्ट है, हम बेटा इसे ही बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब दूसरे तरीके से
अगर इसको हम अदर वे में डिफाइंड करें तो अदर वे में इसको बेटा कैसे राइट कर सकते हैं। सपोज करो बेटा हमने ये पेन ले लिया, हमने ये क्या ले लिया बेटा पेंसिल ले लिया, और बेटा हमने यहाँ क्या ले लिया यहाँ पे ये हमने ले लिया रबर। क्या लिया मेरे बच्चों? रबर ले लिया। अब बेटा हमने पेन पेंसिल रबर को अर्थात वस्तुओं को यूटेंसिल्स को हमने किस में ले लिया? रो में ले लिया। अब बेटा हमने रो में लिया तो इनके नंबर्स कितने हैं बेटा? यहाँ पेन टोटल कितने हैं? 3 हैं। मेरा पेंसिल कितने हैं? 4 हैं। रबर कितने हैं बेटा? 5 हैं। इनका टोटल प्राइस कितना है बेटा? प्राइस देखते हैं तो बेटा इसका 9 रुपीज गिवन है। 4 पेंसिल की कीमत कितनी है बेटा? 8 रुपीज गिवन है। और 5 रबर की कीमत कितनी बेटा? 10 रुपीज है। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, अर्थात मेरे बच्चों अगर हमें कोई सेंटेंस गिवन है या बेटा कोई डेटा हमें गिवन है, कोई ऑब्जर्वेशंस गिवन है जिसमें नंबर ऑफ थिंग्स दिए हों और उनके प्राइस गिवन हों, तो उनको हम मैट्रिक्स यूज करके आसान तरीके से राइट कर सकते हैं, और ये आसान तरीके से बता सकते हैं बेटा कितने नंबर ऑफ क्या है बेटा, हमारी यूटेंसिल्स हैं, हमारी वस्तुएं हैं और उनके प्राइस क्या होंगे। बेटा इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसी पैटर्न को बेटा क्या बोलते हैं? हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो बेटा मैंने एक सेंटेंस लिया, एक सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको ये बताया बेटा कि हम मैट्रिक्स को राइट कैसे करते हैं। अब बेटा दूसरी बात हम लोग यहाँ क्या बोलने वाले हैं, सबसे बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बेटा हम इनको मैच कराएं, अगर हम इनको मैच कराएं आपस में, ठीक बेटा लाइन वाइज लाइन बेटा मैच कराएं, सारी एकदम चीज़ें क्लियर करनी है बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लाइन वाइज लाइन बेटा इसे मैच कराएंगे, ठीक है। नहीं बेटा हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया और अगर बेटा मैं इसको वर्टिकल ले रहा हूँ तो वर्टिकल बेटा कुछ इस तरह आएगा आपका, ये देखिए बेटा ये आपका वर्टिकल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ बेटा 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है बेटा, और यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितने बेटा यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन है। तो बेटा जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, समझना है मेरे बच्चों, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा हम उसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बेटा? रो बोलते हैं। और मेरे बच्चों जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है बेटा हम उसे बोलते हैं कॉलम। उसे क्या बोलते हैं बच्चा? कॉलम बोलते हैं बेटा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं बेटा क्या, समझना है बेटा, हम इसे बोलते हैं क्षैतिज। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? क्षैतिज। इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। मेरे यूपी बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है बेटा। और क्षैतिज रेखा को बेटा हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं बच्चा? पंक्ति बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को बेटा क्या बोलते हैं हम? बेटा इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? ऊर्ध्वाधर। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं बेटा? स्तंभ बोलते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई बेटा कि मैट्रिक्स में बेटा कंप्लीटली एक चीज देखते हैं, तो मैट्रिक्स का मेन बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे बेटा पहले मैट्रिक्स का मेन मुद्दा क्या हुआ कि बेटा मैट्रिक्स होती क्या है, इसको जानने से पहले बेटा हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को जनरली पढ़ने का मतलब क्या है बेटा। पढ़ने का मतलब ये क्या है बेटा कि किसी भी यूटेंसिल्स को बेटा लाइन वाइज या सीरियल से अरेंज करना, सीरियल से बेटा क्या करना, अरेंज करना या पैकिंग करना बेटा हम उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। तो एक बात तो और क्लियर हो गई बेटा कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट इन सीरियल। क्या बोल सकते हो बेटा इसे? इसका मतलब होता है अरेंजमेंट इन सीरियल। अरेंजमेंट इन क्या बेटा? सीरियल। और सीरियल का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थात मेरे बच्चों ये कह सकते हो, ठीक है बेटा, क्या बोल सकते हो मेरे बच्चों? आप ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, पूरी बात समझना बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर्स इन रो एंड कॉलम कॉल्ड मैट्रिक्स। कॉल्ड क्या बेटा?
मैट्रिक्स, इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। हमने देखो बेटा क्या बोला, बिल्कुल किताबी भाषा में नहीं जाना है बेटा, एकदम इजी लैंग्वेज में सारी बातें सीखनी है। मैट्रिक्स के डेफिनेशन रटते रहते हैं, बिल्कुल रटेंगे बेटा आपको, बिल्कुल रटेंगे आपको, हो सकता नहीं है। क्या बोलना है बेटा, मैंने क्या बोला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर्स इन रो एंड कॉलम कॉल्ड क्या बेटा, मैट्रिक्स। बेटा कुछ संख्याओं को लेकर, कुछ नंबर्स को क्या कह सकते हो, कुछ नंबर्स को रो और कॉलम में रखना, अरेंज करना क्या कहलाता है बेटा, मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मैट्रिक्स कहलाता है। मैंने क्या बोला बेटा कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, हम सारी नंबर्स को बेटा रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने नाम दिया रो मेरे बच्चों, और वर्टिकल लाइन को हमने क्या बोला बेटा, कॉलम बोला। तो बेटा हमने अभी ये बात सीखी कि मैट्रिक्स का जनरल कॉन्सेप्ट बेटा क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, रो और कॉलम क्या होती है। बेटा मैं फिर से परिभाषा बोल सकता हूं, अगर बेटा एकदम लेविन चूस वाली स्टाइल में बोलना है, लेविन चूस वाली स्टाइल में आप बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर्स इन रो एंड कॉलम कॉल्ड मैट्रिक्स। बेटा कुछ संख्याओं को कॉलम और रो में रिप्रेजेंट करना, कॉलम और रो में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है बच्चों, मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए बिल्कुल आपको टाइम बेटा दिया जाएगा, सारी चीजें राइट करते चलिए, बार बार बेटा वो आपको रिवीजन करने के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो सारी चीजें एकदम लिखते रहिए। कुछ समय दे रहा हूं बेटा इसको, सारी चीजें एकदम राइट कर लीजिए। और जो भी हमारे बच्चों को डाउट्स हो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा आप कमेंट बॉक्स में जाइए, ठीक बेटा कमेंट बॉक्स में जाइए, और कमेंट बॉक्स में जाकर बेटा हमें कमेंट कीजिए कि क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। जो चीजें बेटा आपको समझ में नहीं आ रही हैं प्लीज उसे आप हमें बताइए, अगर आप उस चीज से आप अगर अंडरस्टूड हैं तो उसको भी कमेंट कीजिए कि सर हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप उसको बार बार बेटा मैं बोल रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर ए टर्म समय क्लियर नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से बेटा उसको मैं समझाऊं और बेहतर से बेहतर तरीके से एग्जाम्पल प्रोवाइड करूं। तो बच्चों मुझे यहां तक भाई ये तो पता होगा कि आपको इस बेटा सारी कॉमन चीजें हैं आपके एकदम क्लियर होंगी। आइए बेटा अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते, चलो भाई समझते हैं बेटा थोड़ा सा और कुछ, एकदम क्लियर करो भाई। चलो आप बेटा आया स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ क्या बेटा, मैट्रिक्स, एकदम क्लियर करेंगे मेरे बच्चों। हमने क्या बोला बेटा समझ लो थोड़ा सा, क्या है बच्चों स्टैंडर्ड डेफिनेशन, क्या लेना है मेरे बच्चों स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन बेटा क्या होता है, एकदम क्लियर करो बेटा। इसे बोलते हैं मानक परिभाषा मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चा इसे, मानक परिभाषा। हाँ बेटा अब्यू की अब लेने चल रहे हैं मानक परिभाषा। अब बेटा मानक परिभाषा होती क्या है समझना है बेटा। बेटा एम एन नंबर्स को, एम एन नंबर्स को मान लो बेटा कि एम एंड एन, समझना है एम एंड एन आर टू नंबर्स, एम एन एन आर टू नंबर्स। हमने माना मेरे बच्चों कि एम और एन दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। यहां पे एम भी नंबर्स है, नंबर्स है, और एन भी क्या है बेटा, नंबर्स है मेरे बच्चों, एन भी नंबर्स है। अब ये कैसी नंबर हो सकती हैं, एक बात बोलना चाहूंगा, ये हो सकती है बेटा कॉम्प्लेक्स, क्या हो सकती है बेटा कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या हो सकती है बेटा कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें रियल नंबर भी हो, जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो एम और एन बेटा वो रियल नंबर भी हो सकता है
और इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। तो मेरे बच्चों एम एन हमने माना दो नंबर्स, एम एन नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, एक आयताकार सारणी के अंदर अरेंज करना, एम एन नंबर्स को एक आयताकार सारणी के अंदर अरेंज करना, एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर अरेंज करना क्या कहलाता है मेरे बच्चों? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मैट्रिक्स कहलाता है। बेटा मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज कंसिडर कीजिए इस बात को। एम एन नंबर को, एम और एन यदि बेटा हमारे पास दो नंबर्स हों, अब वो कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, मतलब रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं। बेटा उनको एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर क्या करना बेटा? अरेंज करना, राइट करना, क्या कहलाता है बेटा? आपका मैट्रिक्स कहलाता है, अव्यू कहलाता है। तो यहां से मेरे बच्चों डेफिनेशन क्या निकल के आएगी समझना है बेटा। अरेंजमेंट ऑफ, बेटा बहुत प्यारी डेफिनेशन मैं बोलूंगा यहां पे, अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स, एम एन नंबर्स इन एम रोज, इन एम रोज एंड इन कॉलम्स, इन कॉलम्स। पूरी बात समझना बेटा, बहुत आसान चीज है। अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स, एम एन नंबर्स इन एम रोज एंड इन कॉलम्स इन साइड ऑफ ए, ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे, ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे कॉल्ड मैट्रिक्स, कॉल्ड मैट्रिक्स। पूरी बात समझना मेरे बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स इन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे कॉल्ड मैट्रिक्स। बेटा रेक्टेंगुलर एरे को हम बोलते हैं आयताकार सारणी। क्या बोलते हैं बच्चा? आयताकार सारणी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयताकार सारणी कहते हैं मेरे बच्चों। मैंने क्या बोला बेटा कि एम एन संख्याओं को जिसमें एम पंक्तियां हो और आर एन स्तंभ हो, एम एन संख्याओं को जिसमें एम पंक्तियां हो और एन स्तंभ हो को एक आयताकार सारणी के अंदर रिप्रेजेंट करना, अरेंज करना, व्यवस्थित करना क्या कहलाता है बेटा? मैट्रिक्स कहलाता है, अव्यू कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? अव्यू कहते हैं मेरे बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? अव्यू कहते हैं बेटा। अब सुनिए, यहां से चलेगा बेटा गुरु मंत्र, यहीं से सारी बात सीखनी है। अब समझो बेटा, अगर हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें, अगर मेरे बच्चों हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें, तो रो और कॉलम का जो मल्टीप्लाई आता है बेटा, हम उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसे अव्यू की कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अव्यू की कोटि कहते हैं। फिर से बोलना है, अव्यू की कोटि क्या होती है? तो आप मेरे बच्चों डेफिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ऑफ रो एंड कॉलम, ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मेरे बच्चों अव्यू की कोटि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? सो यू कैन से एंड यू कैन रिस्पॉन्स इन इजी वे, प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन हिंदी लैंग्वेज रो और कॉलम पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल को, पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अव्यू की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अव्यू की कोटि कहते हैं। एक बात याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण नोट की बात करने चल रहा हूं मेरे बच्चों, यही गुरु मंत्र है, छाप लो बेटा प्यार से, कोई बताएगा नहीं इसे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सबसे पहले बोलना है कि किसी अव्यू में इन एनी मैट्रिक्स,
इन एनी मैट्रिक्स, किसी अभ्यू में, इन एनी मैट्रिक्स फर्स्ट वी राइट, फर्स्ट वी राइट, फर्स्ट वी राइट रो, फर्स्ट वी राइट रोस, देन कॉलम, देन क्या बेटा कॉलम। एकदम क्लियर करना है, किसी अभ्यू में सबसे पहले बेटा हम क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, उसके बाद बेटा क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, कॉलम लिखते हैं। बिल्कुल बेटा, एकदम साफ साफ पूरी बातें करनी है बेटा। किसी अभ्यू में सबसे पहले हम रोज को राइट करते हैं, देन क्या लिखते हैं बेटा, कॉलम्स राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं, कॉलम्स राइट करते हैं। और दोनों के प्रोडक्ट को, दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं मेरे बच्चों। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा नेक्स्ट नोट क्या है, एकदम बेहतरीन बेटा। क्या लिखेंगे कि मैट्रिक्स को, क्या बेटा मैट्रिक्स को हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम मैट्रिक्स को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यही है मेरे बच्चों ओरिजिनल चीज। क्या बोलेंगे हम बेटा मैट्रिक्स को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या बोलना चाहेंगे बेटा, ठीक है, नहीं समझना है सारी बात, समझना है बेटा। क्या बोलेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट को, मैट्रिक्स के एलिमेंट को, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, स्मॉल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों। तो मैट्रिक्स को हमेशा बेटा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट के, और इनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे बच्चों ये है मैट्रिक्स की डेफिनेशन बेटा। ऑर्डर क्या होता है, इनके अंदर जो नंबर्स होती हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इनका एलिमेंट्स कहते हैं। इनका क्या बोलते हैं बच्चा, एलिमेंट्स कहते हैं मेरे बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या कहना चाहेंगे, ठीक है बेटा, और समझना है, जो नंबर्स होती हैं, जो नंबर्स होती हैं, नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स, नंबर्स ऑफ क्या बेटा मैट्रिक्स, अभ्यू के संख्याओं को, अभ्यू के संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इन्हें अभ्यू के अवयव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, अभ्यू के अवयव कहते हैं, अभ्यू के अवयव कहते हैं। छाप लो भाई, धीरे धीरे लिखते चलो सारी चीजें, सुनते भी चलो और लिखते भी चलो। लिख लो बेटा, गाना भी गाते रहो प्यार से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गा गा के पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, चिंता मत करना, है कि नहीं। आ गया है बेटा सब कुछ करने के लिए समय। तो मेरे बच्चों ये थी डेफिनेशन बेटा, मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है बेटा किसी मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, रो और कॉलम क्या होते हैं बेटा, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं। मैंने आपको बताया बेटा कि किसी अभ्यू की कोटि क्या होती है, कि उसके ऑर्डर क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको ये डिफाइंड किया। मैट्रिक्स को बेटा कैसे हमने यूज किया अपने लाइफ में, मैंने आपको ये बताया। आपको सारी चीजें बेटा मेरे साथ साथ लिखते रहो, बिल्कुल घबराना नहीं, सारी चीज एकदम क्लियर करते चलो, ठीक है नहीं। आ जाओ मेरे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। लाजवाब चीज मेरे बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया चीज बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या बेटा, मैट्रिक्स, अभ्यू का निरूपण, अभ्यू का निरूपण मेरे बच्चों, अभ्यू का निरूपण। देखते चलिए, बहुत बढ़िया बेटा है, देखिए भाई अभ्यू का निरूपण। आप बेटा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बड़े आसान तरीके से बेटा इसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जाना भाई बताएंगे, सारी चीज एकदम क्लियर करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, चलिए आ जाओ। तो पहली बात ये चीज चमकाएंगे हम लोग, ठीक है बेटा। क्या चमकाएंगे, समझना है कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स,
एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ क्या बेटा, मैट्रिक्स। अवयव के, अवयव के अवयवों को, अवयव के अवयवों को कहां कहां लिखते हैं, पूरी बात समझना बेटा, कहां कहां लिखते हैं। या बेटा हम इस साइन के अंदर राइट करेंगे, ठीक है बेटा, इस साइन के अंदर आप लोग राइट करोगे, या बेटा हम इसी को कुछ ऐसा करते हैं, या आप इस साइन के अंदर राइट करेंगे, या बेटा हम ये, इसे बोलते हैं डबल मॉड साइन। क्या बोलते हैं बच्चा, डबल मॉड साइन। अर्थात बेटा हम अवयव को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, या यूं आप कह सकते हैं कि अवयव के एलिमेंट्स को, अवयव के अवयवों को हम इनके अंदर राइट करते हैं, और इन्हें बेटा बोलते हैं एरे। इनका नाम क्या है बच्चा, इन्हें बोलते हैं एरे। एरे का मतलब क्या होता है बेटा, सांडी। क्या होता है बेटा, सांडी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एरे। और इसे जनरल वे में कहा गया, इसका नाम है रेक्टेंगुलर एरे। क्या बोलते हैं बच्चा, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। बेटा इसका नाम है आयताकार सांडी। क्या नाम बच्चा, आयताकार सांडी। इसे हम बेटा कहते हैं आयताकार, बेटा सांडी कहते हैं। तो बच्चों एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को हम इनके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे, इसका मानक निरूपण क्या होता है, सबसे पहले बेटा हम उसकी बात करने चल रहे हैं। चलिए बेटा हमने क्या माना, समझना है, हमने माना कि लेट ए इज ए मैट्रिक्स, लेट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, ऑफ एन ऑर्डर एम क्रॉस एन, ऑफ एन ऑर्डर एम क्रॉस एन। हमने क्या माना बेटा, माना ए एक अवयव है, ए एक अवयव है जिसकी कोटि एम क्रॉस एन है, या बोल सकते हो ए एक एम क्रॉस एन कोटि का अवयव है। तो मेरे बच्चों हमें इसे रिप्रेजेंट करना है एक आयताकार सारणी के अंदर। तो बेटा हमने क्या मान लिया, ए इज इक्वल टू, हमने यहां ले लिया बेटा ए आई जे, ए आई जे एम क्रॉस एन। हमेशा याद रखना बेटा रेक्टेंगुलर एरे के बेस पर हमेशा हम लिखते हैं ऑर्डर। क्या लिखते हैं बच्चा, ऑर्डर लिखते हैं। अब यहां सबसे पहले ए आई जे क्या है, ए आई जे बेटा, यहां ए आई जे ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए का क्या है बेटा, एलिमेंट है, अवयव है, जो कहां उपस्थित है, ए आई जे आइथ रो में एंड जेथ कॉलम में, आइथ रो में एंड जेथ कॉलम में। अर्थात मेरे बच्चों यह अवयव ए का एक अवयव है जो आईवी पंक्ति, जो आईवी पंक्ति तथा जेमे स्तंभ में है, तथा जेमे स्तंभ में उपस्थित है, जेमे स्तंभ में उपस्थित है। मेरे बच्चों मैंने क्या माना, ए बराबर ए आई जे एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जो क्या बोल सकते हैं, जिसमें ए आई जे मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है जो आइथ रो और जेथ कॉलम में है, अर्थात आयमी पंक्ति तथा जेमी स्तंभ में क्या है बेटा, उपस्थित है। और इसका जो मानक बेटा निरूपण होता है, हम क्या लेते हैं, ए इज इक्वल, ये लेंगे बेटा ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज इक्वल, बेटा यहां से हम ले सकते हैं इनके एलिमेंट्स को। कैसे लेते हैं बेटा, एकदम बढ़िया से सुंदर सुंदर समझना है। हमने मान लिया ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री एंड सो ऑन ए वन एन। फिर क्या लेंगे बेटा, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री एंड सो ऑन ए टू एन, एंड लाइक दैट यू कैन से गाइस ए एन वन, यहाँ क्या लेंगे बेटा ए एन टू, यहाँ क्या लेंगे बेटा ए एन थ्री, एंड हियर
यू कैन राइट गाइज वॉट ए एम एन, क्या लेंगे बेटा? आप इसे एम मान लीजिए बेटा, आप इसे एम मान लीजिए, अभी हम इसकी बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एन नहीं मान सकते हैं बेटा, मानेंगे लेकिन अभी नहीं। तो मैंने क्या माना बेटा, मैंने ऐसे ही यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करना चाहा, मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करना चाहा कि यहाँ एक एलिमेंट है आईजे, क्या है बेटा? आईजे है, क्या है मेरे बच्चों? ए आई जे है। अब यहाँ मेरे बच्चों ए आई जे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप बोलेंगे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ए वन वन का कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा, मतलब बोलेंगे बोलेंगे क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है मेरे बच्चों। अगर मेरे बच्चों मैंने आपको बोला यहां पे ए टू टू का मतलब क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे सेकेंड रो, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम का बेटा हमारा एलिमेंट है। लाइक दैट मेरे बच्चों अगर मैं यहां पे ए एम एन की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे बेटा, एमेथ रो, एमेथ रो एंड एनेथ कॉलम का, एनेथ कॉलम का बेटा हमारा एलिमेंट्स है बेटा। अगर इसी प्रकार हम लोग बात करें तो ए आई जे क्या होगा, तो आप बोलेंगे आइथ रो, पहले बेटा रो, आइथ रो एंड जेथ कॉलम का, जेथ क्या बेटा? कॉलम का हमारा एलिमेंट्स है। तो बेटा ये क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और मेरे बच्चों किस ऑर्डर का है इसमें आप बोलेंगे बेटा, तो ये क्या है आपके कॉलम से है, ये आपके रो है, ये क्या है बेटा कॉलम से है। तो अगर इसको अगर हम यहाँ पे एम ले लें बेटा, ठीक है नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं बोली जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एन क्रॉस एम है, पहले रो फिर क्या बेटा कॉलम। तो हमने क्या किया, रो मान लिया एन, और बेटा क्या बेटा हमने माना, कॉलम मान लिया मेरे बच्चों, यहाँ पे हमने एम मान लिया। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों किसी मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है बेटा, वो किस कॉलम किस रो में प्रेजेंट है वो निकालने का हमारा ये बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लिखते रहो बेटा, बिल्कुल दबा के लिखते रहो, रफ और कॉपी को बेटा बिल्कुल रेस्ट मत दो अभी जब तक चल रहा है बेटा, ठीक है नहीं, बढ़िया से एकदम लिखते रहिए, जल्दी सजाइए फटाफट। क्लियर हो रहा है ना भाई सारी चीजें? हाँ बढ़िया से बेटा एकदम। कोई भी डाउट हो आप जरूर बताइए बेटा, सॉल्यूशन आपके पास नहीं, सॉल्यूशन हमारे पास होगा उसका, कि कैसे आपको वो चीज़ें क्लियर की जाए, ठीक है ना। और हाँ बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको बताइए इसके बारे में, इस चैनल के बारे में, ठीक है बेटा। तो बेटा राइट कर लिया, ओके चलो देखिए बेटा, अब और कुछ बातें हो जाए थोड़ा सा, है नहीं, सारी चीज़ें एकदम बेटा क्लियर करनी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलो मेरे बच्चों आ जाइए, अब थोड़ा सा बेटा हम लोग कुछ बात कर ले चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बेटा हमने क्या लिया यहां पे, कुछ अजीब से क्वेश्चन। चलिए पहली बात, एक नोट पॉइंट मेरे बच्चों के लिए, इसे बोलते हैं गुरु मंत्र। ये क्या है बेटा? गुरु मंत्र है, इसको किसी को बताना नहीं, यही काम देगा जीवन भर आपको गुरु मंत्र मेरे बच्चों। अब गुरु मंत्र क्या है, क्या कहना चाहते हैं हम बेटा, ठीक नहीं। तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैज नो एनी वैल्यू, मैट्रिक्स हैज नो एनी वैल्यू। अव्यू का कोई मान नहीं होता, अव्यू का कोई मान नहीं होता बेटा, ये इंपॉर्टेंट एक बात है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे मेरे बच्चों अगर लिखा जाए कि इस मैट्रिक्स सेवन इज इक्वल, क्या सेवन होगा? नहीं, गलत, कभी इक्वल नहीं होगा। क्या मेरे बच्चों माइनस फाइव इज इक्वल माइनस फाइव होगा? नहीं, गलत है। क्या मेरे बच्चों जीरो इज इक्वल जीरो होगा? नहीं, ये गलत है। तो मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होती है बेटा, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैट्रिक्स हैज नो एनी वैल्यू, मैट्रिक्स का बेटा कोई मान नहीं होता।
तो बेटा जैसे एक क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, ए मैट्रिक्स हैज 14 एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स हैज 14 एलिमेंट्स, देन राइट इट्स ऑल फॉर्मेट, देन राइट इट्स ऑल फॉर्मेट। एक मैट्रिक्स में 12 अवयव हैं, एक अवयव में 12 अवयव हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सारे के सारे फॉर्मेट लिखे, अर्थात कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल। आप ये भी बोल सकते हैं हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल, ये भी आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स आर पॉसिबल, यस हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले बेटा अगर इसका कभी सॉल्यूशन देना है तो मेरे बच्चों जो आपको गिवन हो 12 का फैक्टर सोच लो, सबसे छोटा फैक्टर बेटा, तो पहला क्या होगा 1 into 12, दूसरा क्या होगा बेटा इसका अपोजिट 12 into 1, अब क्या होगा बेटा 3 4 12, फिर क्या होगा बेटा 4 3 12, फिर क्या होगा बेटा 6 2 12, फिर क्या होगा बेटा 2 6 12। तो मेरे बच्चों अगर किसी अवयव में कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, तो उनके कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, कितने बेटा हम अवयव का निर्माण कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, ये बेटा क्या होंगे हमारे 6 तरीके होंगे किसी मैट्रिक्स को क्या बेटा राइट करने के। तो कितने बेटा 6 मेथड हमें कितने मिले मेरे बच्चों 6 मेथड मिले। आ जाइए मैंने क्या बोला ए मैट्रिक्स, नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स हैज क्या बोल देंगे बेटा 16 एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट्स, देन राइट ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस, आपको सारे के सारे मैट्रिक्सेस राइट करने हैं। अब बेटा एक अवयव में 16 अवयव हैं, एक अवयव में 16 अवयव हैं, तो उनके कितने संभव अवयव हो सकते हैं, तो आप बेटा क्या बोलेंगे इसका सॉल्यूशन एकदम फटाफट देना है, बिल्कुल घबराना नहीं मेरे बच्चों। आप यहां से क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे बेटा सबसे छोटा फैक्टर क्या आएगा बेटा 1 into 16 या 16 into क्या बेटा 1, दो तो ये पॉसिबल हो गए बेटा, उसके बाद क्या लेंगे बेटा यहाँ पे 16 का फैक्टर करना है, 4 × 4 = 16 बेटा, और क्या बोल सकते हैं बेटा, चलिए बेटा यहाँ ले सकते हैं और कोई है क्या भाई, 16 लाना है तो 8 × 2 = 16 बेटा कितना 16 × 2 = 16। बताओ बेटा किसी एलिमेंट से बेटा किसी मैट्रिक्स में 16 एलिमेंट्स है तो उनके कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे बेटा, ये 5 होंगे, कितने होंगे बेटा 5, 5 मैट्रिक्स आर पॉसिबल बेटा, 5 मैट्रिक्स उसके संभव होंगे बेटा अगेन, ठीक है बेटा। तो ये आपके लिए बेटा, ठीक है बेटा, किसी मैट्रिक्स में कितने बेटा हमने ले लिया, चलो 11 एलिमेंट्स हैं, इसके कितने बेटा होंगे बेटा, किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं बेटा, इसको कैसे राइट करेंगे बेटा, ठीक है नहीं, इसके कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे आप लोग निकालेंगे बेटा, किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं इसके बेटा कितने होंगे आपको बेटा, इसके मतलब कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे आपको राइट करने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके लिए। तो बेटा आज का हमारा बेटा जो बेसिक फंडामेंटल था, जो हम लोग को आज बताना था, जो हम लोग को आज जानना था, क्या जानना था बेटा कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को स्टडी बेटा हम लोग क्यों करते हैं, हमारे लाइफ में इसका यूज़ क्या है, मैट्रिक्स को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रो और कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशंस क्या होती हैं, हमने बेटा सारी चीज़ें जानी, और बेटा हमने क्या किया इसके ऑर्डर का यूज करके
हमने क्या लिया, नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड आउट किया। अगर मेरे दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा प्रेस द बेल आइकॉन एंड बेल आइकॉन दबाइए। बेल आइकॉन दबाने के बाद आप मेरा कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा उसके बारे में बताइए। अगर कोई भी आपको डाउट्स है, अगर कोई भी मेरा प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है किसी भी टॉपिक में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। थैंक यू।